मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित ये है प्रोफेसर शशांक एक रेखा चित्र के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री के जो रचना धर्मिता थी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री संस्कृत के प्रखंड विद्वान, जिनका लेखन, जिनका रचना कर्म बहुत ही वैविध्यपूर्ण रहा। उनका जन्म 2 मई 1929 को कोलकाता में होता है और मृत्यु 17 अप्रैल 2005 में हृदयघात से हो जाती है। शास्त्री जी एक अध्यापक, एक समीक्षक, कवि, विचारक, आध्यात्म व्याख्याता, एक सर्वप्रिय प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाने में पूर्णतः समर्थ हुए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी की विनय भावना को आदर्श मानकर अपने जीवन को जीने के विश्वासी थे, बड़े दृढ़ निश्चयी थे, अपने मान्यताओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे और इस तरीके से उन्होंने एक कर्मठ सन्यासी के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाई। वे एक साथ साहित्यकार और राजनीतिज्ञ दोनों थे। राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने 1977 में जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा और बंगाल विधानसभा के सदस्य बने। उसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और सांसद भी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों के राज्यपाल के पद को बड़े गरिमापूर्ण तरीके से सुशोभित किया। साहित्यकार के रूप में इन्होंने देश भर के विश्वविद्यालय एवं विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं की जो व्याख्यानमालाएं होती थी उनमें जमकर भाग लिया। हिंदुत्ववादी आलोचक प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री हिंदी के आलोचना के एक मशहूर हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। वे भक्तिकालीन साहित्य के मर्मज्ञ और अधिकारी विद्वान थे, पर मूलतः वे गद्यकार थे। गद्य में उन्होंने ललित निबंध लिखे, सांस्कृतिक निबंध लिखे, संस्मरण और रेखा चित्र लिखे। उनकी रचनाएं बहुत ही आत्मीयता से परिपूर्ण होती थी, जो पाठक को अपने साथ बड़ी सहजता और सरलता के साथ जोड़ लिया करती हैं। वे भारतीय संस्कृति के सशक्त व्याख्याकार थे, जिसका प्रभाव उनके समस्त लेखन पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कवि निराला की काव्य वेदना और अन्य निबंध, तुलसी के हिय हरी, अनंत पथ के यात्री, धर्मवीर भारती, अनुचिंतन, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ विशिष्ट पक्ष, भक्ति और शरणागति, ये उनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां रही। उनकी समस्त कृतियों को हम विष्णुकांत शास्त्री चुनी हुई रचनाएं इस संकलन में देख सकते हैं। और इस संकलन के प्रथम खंड में हम कालिदास, कबीर, सूर, तुलसी, भारतेंदु, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, रामधन सिंह दिनकर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो साहित्यिक अवदान था उस पर उन्होंने जो मूल्यांकन किया है उससे संबंधित लेख हम इसमें देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं उनका रेखा चित्र, जिसका नाम है ये है प्रोफेसर शशांक। रेखा चित्र क्या है? जैसे चित्रकला में रेखाओं के माध्यम से किसी वस्तु का चित्र आपके सामने, किसी भावना को आपके सामने रख दिया जाता है, इसी तरीके से रेखा चित्र में शब्दों के माध्यम से उस घटना का, उस व्यक्ति का, उस भावना का जिस पर वो लिखा जा रहा है उसका शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। विस्तार में मैं रेखा चित्र पर अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ, यदि आपको देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं। यह है प्रोफेसर शशांक एक ऐसा ही जीवंत रेखा चित्र है। इस रचना में विष्णुकांत शास्त्री ने अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का बड़ा मुक्त भाव से रेखांकन किया है तथा उसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बड़े अनछुए पहलू, जो कि लोगों को नहीं मालूम थे क्योंकि वो व्यक्तिगत नितांत अपनी कमजोरियां और अपनी अच्छाइयां इंसान खुद ही ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है, ऐसे अनछुए पहलुओं को उन्होंने अपनी इस रचना में प्रकट किया है। इस रेखा चित्र में प्रोफेसर शशांक वो स्वयं है, विष्णुकांत शास्त्री ही प्रोफेसर शशांक हैं।
उनका जो विराट व्यक्तित्व है, जो उनका वैदिश्य है, जो उनका अट्टहास है, जो उनकी जो वक्तृत्व शक्ति है आदि का वर्णन बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में विष्णुकांत शास्त्री ने किया है। हम सहज ही, हमारी आदत है, स्वभाव है, हम मनुष्य हैं और मनुष्य की कमजोरी होती है, बड़े आसानी से दूसरों की खिली उड़ा लिया करता है, दूसरों की मजाक उड़ा लिया करता है, दूसरों की निंदा कर लिया करता है। लेकिन अपनी कमजोरियों की बात जब आती है, अपनी कमियों की जब बात आती है, तो खिल्ली उड़ाना तो दूर, बड़े आसानी से किनारा कर जाता है। अपनों पर हंसना, अपने आप अपनी खुद की मजाक बनाना कितनों को आता है? नहीं आता। यह गुण हमें विष्णुकांत शास्त्री जी में बड़ी उत्कृष्टता के साथ दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस रेखा चित्र में यह प्रमाणित कर दिया है कि अपने पर व्यंग करना, अपनी खिल्ली उड़ाना, अपने आप को हंसी का पात्र बना देना कितना, मतलब दूसरों के लिए कठिन हो सकता है, पर शास्त्री जी के लिए यह बहुत ही सरल और सहज रहा। इस बात को हम इस रचना को पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और जब ये बात खुल ही गई है कि प्रोफेसर शशांक कोई और नहीं है, वो स्वयं विष्णुकांत शास्त्री का ही एक प्रतिरूप है, उन्हीं की ही प्रतिछाया है, उन्हीं की अनुकृति है, तो इस रेखा चित्र को पढ़ने से पहले कितना अच्छा रहेगा कि हम प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री जी के व्यक्तित्व की थोड़ी सी झलक देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जन्म 1929 में कोलकाता में होता है। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री का व्यक्तित्व बहुत ही अद्भुत था, शारीरिक दृष्टि से भी बहुत ही विराट और विशाल व्यक्तित्व था उनका, और बौद्धिक रूप से भी वे प्रखर वक्ता थे। तथा उनका जो उन्मुक्त व्यक्तित्व है, उनकी रचना में सहज ही देखते बनता है। काव्य पठन करना, शिक्षा, साहित्य, दर्शन, इन सब में उनकी विशेष रुचि थी। यद्यपि वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, जैसा कि मैंने अभी उनके परिचय में आपको बताया कि वो MLA भी रहे, MP भी रहे और भाजपा के विभिन्न पदों पर उन्होंने बड़ा समर्पणपूर्ण तरीके से काम किया, राज्यपाल रहे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के, लेकिन ये जो राजनीति है वो उनके उनके मन पर, उनकी रचना पर, उनके व्यक्तित्व पर कभी हावी नहीं हो पाई। उनका मानसिक स्तर किसी भी प्रकार से, किसी भी मानसिक संकीर्णता से कभी भी ग्रसित नहीं रहा। इसीलिए उनके मित्रों में वामपंथी लोग बहुत अधिक मात्रा में हमको मिलते हैं। कल्याणमल लोढ़ा ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व को इस तरीके से परिभाषित किया है और बहुत आसानी होगी हमें उनको जानने के लिए यदि हम लोढ़ा जी के इस वाक्य को बहुत ध्यान से देख लेते हैं। और एक दिन मेरी यह मान्यता है कि अयस्कांत मशी की भांति वही व्यक्ति समाज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है, जिस व्यक्ति में सरलता हो, उसका व्यक्तित्व तो काफी सौहार्द हो, सौम्य हो, साथ ही साथ उसमें नियमबद्धता हो, मितभाषिता हो और संस्कृति के महान मूल्यों की अवधारणा में जिसका अटूट विश्वास हो। और विष्णुकांत शास्त्री कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे। खुद शास्त्री जी ने अपने बारे में लिखा है एक जगह कि मैं व्यक्ति को बांटकर नहीं देखता हूं, मैं समग्रता से देखता हूं उस व्यक्ति को। जैसे इंद्रधनुष का यदि सौंदर्य आपको देखना है तो इंद्रधनुष को जब हम समग्र रूप से उसके सातों रंगों को एक साथ देखते हैं ना, तभी उसकी सौंदर्य अनुभूति हमारे मन को छू पाती है। अलग अलग रंग को देखने से वो सुंदरता, वो उसका जो सौंदर्य है, उसे उससे अभिभूत नहीं हुआ जा सकता। निंदा से वो हमेशा दूर रहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने समाज की विडंबनाओं पर, समाज की कमियों पर उलाहना तो जरूर दिया है, मगर क्या मजाल कि निंदा का एक शब्द भी उनकी जुबान पर कभी आया। तो ये थे विष्णुकांत शास्त्री
जिन्होंने अपनी अनुकृति प्रोफेसर शशांक के रूप में हमारे सामने रखी है। आइए देखते हैं कि वो इस रेखा चित्र में प्रोफेसर शशांक का कैसे वर्णन करते हैं। जब मैं अध्ययन की दृष्टि से इस पाठ को पढ़ाती हूँ आपको, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यदि मैं प्रोफेसर शशांक की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, मतलब इस पाठ में पूरी व्यक्तिगत उनकी विशेषताएं दे रखी हैं, तो इस पूरे पाठ को पढ़कर यदि मैं प्रोफेसर शशांक की व्यक्तिगत विशेषताओं के पॉइंट्स बना दूं और पॉइंट वाइज आपको समझाती जाऊं, तो ये रेखा चित्र आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और न केवल समझ में आ जाएगा, वरन परीक्षा की दृष्टि से भी यदि प्रश्न आता है कि प्रोफेसर शशांक की व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए, तो आपके सामने बिंदुवार पूरा विवरण होगा, अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो मैंने इस पूरे रेखा चित्र को प्रोफेसर शशांक की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया। पहली उनकी व्यक्तिगत विशेषता हम देख रहे हैं, उनका उनकी विद्वता एवं उनका वाक चातुर्य। देखिए, एक बार की बात है कि जब प्रोफेसर शशांक अपने मित्र मंडलियों के बीच में बैठे हैं और वो धारा प्रवाह रूप में बंगला में बात कर रहे हैं, तो एक बंगाली प्रोफेसर है, उसने उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो जवाब देते हैं, कहाँ का बताओ। प्रोफेसर कहते हैं, भाई जहाँ के हैं वहां का बता दो। तो कहते हैं, देखिए असल में बात यह है, देखो यहाँ पर जो दो लाइन में आपको पढ़ के सुना रही हूँ, उसमें हमको प्रोफेसर शशांक की दार्शनिकता और उनकी आध्यात्मिकता की झलक दिखती है। वो कहते हैं कि मैं शरीर को प्रधानता नहीं देता, वह तो बाह्य है, मुख्यता तो अंतःकरण है। वेदांत के अनुसार अंतःकरण के चार तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब देखिए वो अपना वर्णन कर रहे हैं, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं, मेरा मन बंगाली है, बंगाल में जन्मा पला बड़ा, बंगला साहित्य पढ़ा, बंगला की भावुकता पाई, अतः मैं मन से बंगाली हूँ। आगे कहते हैं, मेरे पिता और प्रपिता में काशी में संस्कृत का अध्यापन कराते रहे, पारिवारिक संस्कार और आचार विचार का विवेक भी मुझे काशी से प्राप्त हुआ, अतः कह सकता हूँ कि बुद्धिता तो काशी से प्राप्त हुआ। और चित्त और चित्तेश्वरी, ये दोनों जम्मू की देन है, पूर्व जम्मू से आए थे, आन बान स्वाभिमान और दृढ़ता का जो स्वभाव है मेरा, डोगरा स्वभाव, वो मुझे विरासत में जम्मू से मिला। और अहंकार सर मेरे सारे भारतवर्ष के हैं। अब आप ही बताइए मैं कहाँ का हूं। देखा आपने उनका वाक चातुर्य, देखिए आपने उनकी विद्वता, उनकी इन लच्छेदार बातों से लोग बड़ी सहजता के साथ उनसे प्रभावित हो जाया करते थे। इस रेखा चित्र के आधार पर उनकी दूसरी विशेषता मुझे दिखाई देती है, उनका निष्कपट और भले आदमी होने की जो संज्ञा है उनकी, वो दिखाई देती है। वो कहते हैं कि प्रोफेसर शशांक बहुत ही भले आदमी है। ये दूसरी बात है कि आज के युग में भला आदमी उसे कहा जाता है जो अपना काम बनाना ना जानता हो। अपना तो क्या, ना तो वो अपना काम बना पाता है और ना ही वह दूसरे का काम बना पाता है, अर्थात उसमें वो स्वार्थ, वो चालाकी, वो मतलब जिसे आज के जमाने में लोग प्रैक्टिकल कहने लगे हैं कि वो प्रैक्टिकल व्यक्ति है, व्यवहारिक व्यक्ति है, वो उनमें नहीं थी। वो कहते हैं कि मेरा ये विश्वास हो गया है कि आजकल उसी को शक्तिशाली माना जाता है, बड़ा व्यंग कर रहे हैं चुपता हुआ यहाँ पर, कि जो या तो अपने या दूसरों के अड़े हुए कामों या अड़ने योग्य काम चालू करा दे और या फिर चालू कामों में अड़ंगा डाल दे। और प्रोफेसर शशांक में ये दोनों ही काम ना थे, ना तो वो अपने अटके हुए कामों को लोगों से स्वार्थ या मतलब थोड़ा सा उनकी चमचागिरी करके या किसी तरीके से आगे पीछे घूम के अपना काम निकलवा लें चालाकी से, और या फिर दूसरों के कामों को रोक दें, अच्छे खासे चलते हुए कामों को रोक दें, ऐसे प्रोफेसर शशांक नहीं थे। इसलिए विष्णुकांत शास्त्री जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को आजकल व्यक्ति मुंह बिचका कर कह दिया करते हैं और उसको भला आदमी की उपाधि दे दी जाती है। तो इस कोटी में यदि हम देखें तो प्रोफेसर शशांक के अंतर्गत ये वाली विशेषता हमें नहीं दिखती कि वो कोई काम मतलब इस तरीके का कोई अपने निजी स्वार्थ का जो काम है वो आसानी से नहीं कर पाते, अपने सिद्धांतों से वो समझौता नहीं कर पाते। उनकी तीसरी विशेषता जो मुझे इस रेखा चित्र में देखने को मिल रही है वो है उनका विराट स्वरूप व्यक्तित्व। शास्त्री जी ने शशांक साहब के
शारीरिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि वो पहलवान जैसे लगते हैं। लंबाई उनकी 6 फीट की है, छाती की चौड़ाई 41 इंच है और जाटों की तरह उनके हाथ पैर हैं। भला इतनी लंबी चौड़ी काया कहीं प्रोफेसरों की होती है? क्योंकि प्रोफेसर तो पढ़ने लिखने में लगे रहते हैं, तो उनका बौद्धिक विकास तो होता है, पर ऐसी लंबाई चौड़ाई, क्योंकि देखो जो हम बंगालियों की बात कर रहे हैं ना, तो यदि शारीरिक गठन देखें तो पंजाबियों का और बंगालियों का शारीरिक गठन बहुत अलग से है। और ये बंगाली बने तो शारीरिक, जो बंगालियों का शारीरिक गठन होता है वो पतला दुबला छोटा इस तरीके का होता है, और ये पंजाबी की तरह लंबे ऊंचे बहुत विशाल व्यक्तित्व के धनी है। तो वो कहते हैं कि ऐसी कहावत है कि पांव बड़े गंवारों के और सिर बड़े सरदारों के, लेकिन वो कहते हैं प्रोफेसर शशांक में दोनों चीज मिलती है, क्योंकि उनके हाथ पैर भी बड़े हैं तो वो गंवार भी हो गए, और उनका सिर भी बड़ा है तो वो सरदार भी हो गए। यानी कि हम उनको उनको हम कह सकते हैं कि वो सरदारों गंवारों के सरदार है। मतलब किस तरीके से हम अपने शास्त्री जी अपने प्रतिरूप शशांक के व्यक्तित्व पर एक छुटिया सा व्यंग भी कर रहे हैं और मजे लेते हुए उनकी व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा सशक्त जो व्यक्तित्व है वो है प्रोफेसर शशांक का, और प्रोफेसर जो शशांक है वो बहुत ही स्नेहिल और खुश मिजाज व्यक्ति हैं। सौम्यता उनके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट अंग है, संस्कारशीलता उनके हर काम में देखी जा सकती है, तथा उत्फुल्लता और प्रसन्नता हमेशा उनकी आंखों में झलकती रहती है, और साथ ही उनकी आंखों से चिंतनशीलता, क्योंकि वो हर जो दर्शन है, अध्यात्म है, शास्त्र है, जो हमारे सांस्कृतिक साहित्य है, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गहराई से पढ़ा है, तो चिंतनशीलता भी उनके व्यक्तित्व में हमको आसानी से दिखाई देती है। उसके बाद रेखा चित्र में हमको प्रोफेसर शशांक की एक विशेषता देखने को मिलती है, वह है उनका सादगी भरा हुआ जीवन। उनकी जो वेशभूषा है वो बहुत ही सादगीपूर्ण है, और एक जगह शास्त्री जी ने लिखा भी है, उनका मानना था कि सामाजिक श्रद्धा का आधार आपकी वेशभूषा या आपका पद नहीं होता, बल्कि आपका जो किस तरीके का आपका व्यवहार है समाज में, आपके आपके व्यक्तित्व की जो गुण है उनसे आपको सामाजिक श्रद्धा मिलती है। इसी बात को मानते हुए प्रोफेसर शशांक के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो साल के 9 महीने तो काशी और कलकत्ता की परंपरा निभाते हैं। काशी और कलकत्ता की परंपरा निभाते हैं, अर्थात वो वेशभूषा धारण करते हैं जो ज्यादातर काशी और कलकत्ता के लोग पहनते हैं। क्या? धोती कुर्ता, एकदम साफ सुथरा, एकदम सफेद और बिल्कुल साफ। वो कहते हैं इसका श्रेय उनकी पत्नी को ही जाना चाहिए, क्योंकि कपड़े धोने का और इस्त्री करने का रख रखाव का काम होने का है। और वो कहते हैं सर्दियों के 2.5-3 महीने वो चूड़ीदार पजामा और शेरवानी लंबा कोट पहनते हैं, जिससे कि जम्मू को शिकायत ना हो, क्योंकि ये वेशभूषा जम्मू की है। मतलब कहने का अंत, आप उनकी भाषा शैली को देखिए कि वो जो शशांक जी का वर्णन कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है शशांक जी का कि वो चाहे धोती कुर्ता पहने और चाहे वो चूड़ीदार और पजामा पहने और शेरवानी पहने, दोनों ही प्रकार की पोशाक उन पर बहुत फपती है। और जब ये पोशाक पहन के निकलते हैं तो उनके जो साथी होते हैं वो उनकी चुटकी भी ले लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि बंद तुम्हारी देह स्वयं ही काव्य है, जो पहनो सज जाए सहज संभव है। यानी कि तुम्हारी बॉडी पे हर तरीके का कपड़ा बहुत अच्छी तरीके से पकता है। इस विशेषता के बाद रेखा चित्र में शशांक के व्यक्तित्व की जो विशेषता को रेखांकित किया गया है वह है उनका सौम्य एवं संस्कारशील व्यवहार। शशांक जी का अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में अटूट विश्वास है। उन्होंने अपनी मूछों पे तो उस तरह फिरवा लिया है, लेकिन उनकी शिखा वर्तमान है, उन्होंने चोटी रखी हुई है, और हमारे हिंदू धर्म में शिखा का बड़ा अपना एक महत्व है, कहते हैं। और वो जो चोटी है वो भी कम मोटी और लंबी नहीं है, और उनके जो साथी लोग हैं वो इनकी इस शिखा का, क्योंकि बाद में हम सबने देखा है कि जो फैशन परस्त लोग थे, जो आधुनिकता के हामी लोग थे, जो प्रगतिशील कहे जाने वाले लोग थे, उन्होंने उस चोटी को कटवा लिया। तो कहते हैं कुछ प्रगतिशील मित्र हैं उनकी, जो उनकी इस चोटी पर बड़े व्यंग मार चलाते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। उन्होंने हमारे सामने कुछ उदाहरण रखे हैं कि एक बार होलिका उत्सव पर आकाशवाणी अनामा से घोषणा की गई कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि लिफ्ट में फंस जाने के कारण प्रोफेसर शशांक की शिखा जड़ से उखड़ गई, और इस दुर्घटना के लिए परीक्षा के आतंक से ग्रस्त। देखो व्यंग, देखो आप, परीक्षा के आतंक से ग्रस्त, छोटी सी बात में उन्होंने व्यंग कर दिया कि आज का बच्चा किस तरीके से परीक्षा से डरा हुआ है ना। मतलब अध्ययन का मतलब रह गया परीक्षा, और परीक्षा से डरा हुआ है, कैसे डिप्रेशन में आ जाता है कि वो 6 वर्ष का विद्यार्थी 3 मिनट और 5 वर्ष के विद्यार्थियों ने
एक नेता खड़े रहकर शोक प्रस्ताव पास किया। व्यंग्यात्मक उनकी भाषा देखिए, और वो कहते हैं उसी उनकी चोटी कट जाने की सरस्वती करते हुए एक कवि ने छंद में पढ़ दिया कि सागर तक शुद्ध निर्मंथन के उपरांत क्रोधनागों को जकड़ पकड़ करे कौन शान, और टूटे हुए रस्से लिए खड़े देवदानव मौन जानते हैं आड़े क्षण वस्तु आई कौन। चुटिया की चपेट धन्य धन्य जय जय श्री शशांक। लेकिन इस तरीके के लोग मजाक तो उनका उड़ाते हैं उनकी चोटी का, लेकिन प्रोफेसर जो शशांक है उन पर इस मजाक का, इस हंसी का, इस इन व्यंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हंसकर उड़ा देते हैं इन बातों को। उसके बाद इस रेखा चित्र में हम प्रोफेसर शशांक की खास विशेषता देखते हैं, वो है उनकी उन्मुक्त हंसी, ठहाका लगाने वाली उनकी अट्टहास, जिसको लोग थोड़ा गंवारूपन भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आधुनिक सभ्यता में पले बड़े जो व्यक्ति है, बुद्धिवादी व्यक्ति है, वो हंसने को थोड़ा सा हल्कापन समझते हैं, और ठहाका लगा के हंसना तो जैसे कि वही अक्षम्य है, उनके लिए अपराध है। पर प्रोफेसर शशांक इन सारे विधि निषेधों से बहुत दूर खुलकर हंसते हैं, और जब वो हंसते हैं तो कई बार तो लोग उनको हिस्टीरिक समझ लेते हैं। उनके कथाकार मित्र राजेंद्र यादव का कहना है कि प्रोफेसर शशांक को यदि कोई नोबेल पुरस्कार कभी मिला तो वो उनको उनकी हंसी पर ही मिलेगा। मनु भंडारी ने भी यहां तक कह दिया है कि मोहन राकेश के शोकर हिंदी साहित्य में ऐसा कहा का कोई और नहीं लगा सकता। तो इस तरीके से जो प्रोफेसर शशांक है वो एक उन्मुक्त हंसी हंसते हैं, और मैं आपको बता दूं कि उन्मुक्त हंसी वही व्यक्ति हंस सकता है जिसके मन में कोई मैल नहीं होता, जिसका व्यक्तित्व एक खुला व्यक्तित्व होता है, जिसका व्यक्तित्व तल दर्शी जल की तरह साफ और सुथरा पारदर्शी होता है। उनकी एक विशेषता और हमको इस रेखा चित्र में देखने को मिलती है, और वह है वह कुशल एवं प्रखर वक्ता है। उन्होंने लिखा हंसी की तरह ही उनकी आवाज भी बहुत बुलंद है। छात्रावास में ही जब वो पढ़ा करते थे तो लोगों ने उनको लाउड स्पीकर की उपाधि दे दी थी, यानी कि इतना तेजी से वो बोलते हैं, चुप चुप छोटे छोटे फुसफुसाहट उनको पसंद नहीं है, जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और एकदम कड़क आवाज में जोर से बोलते हैं। वो कहते हैं कि यही जो उनका गुण है वो आज उनकी सभा और समितियों में जब वो भाषण देते हैं तो वहां पर उनका ये वाला गुण बहुत काम आता है। कक्षाओं में भी जब वो पढ़ाते हैं तो ऐसे ही मतलब जो पूरा जो उनका आवाज का जो पिच है, उनका जो साउंड का पिच है वो काफी हाई रहता है। चाहे कक्षा में संख्या बच्चों की कम हो लेकिन उनकी आवाज में कोई कमी नहीं आती है। वो एक घटना का जिक्र भी कर रहे हैं कि एक बार एक स्टूडेंट उनकी कक्षा खत्म होने के बाद आया और उसने कहा कि आज की आप मुझे उपस्थिति दे दीजिए। प्रोफेसर शशांक बोले उपस्थिति कैसे दे दूं, तुम तो क्लास में थे ही नहीं। वो बच्चा कहता है कि मैं क्लास में चाहे नहीं था पर मैं क्लास के बाहर खड़े होकर आपका सारा लेक्चर सुन रहा था, तो बताइए मुझे उपस्थिति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। प्रोफेसर शशांक उनको उपस्थिति दे देते। उनकी एक विशेषता हमें और देखने को मिलती है, वह है उनकी तन्मयता। जो भी काम करते हैं पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, पूरा डूब कर करते हैं, 100% अपने आप को उसमें डूबो देते हैं। उनकी रसपूर्णता, शास्त्री जी खुद विष्णुकांत शास्त्री जी को बदरस में बड़ा आनंद आता था, और वही विशेषता हमको यहाँ शशांक जी में भी देखने को मिल रही है। वो कहते हैं कि शशांक जी यो कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि समय धन है तो मैं इस बात को समझ नहीं पाता कि समय को धन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो धन है वो तो हथेली का मैल है, हाथ का मैल है, लेकिन समय तो जीवन का दूसरा रूप है। तो मुझे इन दोनों की तुलना कभी समझ में नहीं आई। खैर छोड़ो इस बात को, वो ये कहना चाह रहे हैं कि शास्त्री जी का, शशांक जी का व्यक्तित्व ऐसा है, उन्हें जहाँ रस मिल जाए, आनंद मिल जाए, जहाँ उनकी मन किसी बात हो जाए, जहाँ उन्हें मजा आ रहा है, वहां से वो उठने का नाम नहीं लेते। तब समय का, तो काल का जो कहना चाहिए अनुभव है ना, वो भूल जाते हैं काल को, कितना समय निकल गया उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि उनको और कितने कितने सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। यदि आनंद आ रहा है तो तन्मयता के साथ वो वहां डूबे रहते हैं, पूरे उस आनंद का रसास्वादन करते हैं, पूरे रसपूर्ण तरीके से उस चीज को वो अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेते हैं। और उसी के लिए उन्होंने एक छोटा सा शेर भी लिखा है कि हजरत दाग ये कुचा है कातिल है, उठिए आप तो जहां जाते हैं रब जम जाते हैं।
तो शास्त्री जी का भी ये गुण था और यही गुण हमें प्रोफेसर शशांक में भी देखने को मिल रहा है। और इसी गपशप में कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि उनकी ट्रेन छूट गई, कई बार ऐसा हुआ कि जब वो मूड पर आ जाते हैं तो उनकी क्लास घंटे दो घंटे तीन घंटे तक बहुत लंबी हो जाती है। और अक्सर उनको पढ़ाने का इतना शौक है, यहाँ पे उनकी विशेषता में और देखने को मिल रही है कि वो एक बहुत आदर्श शिक्षक है। जो शशांक है वो एक आदर्श शिक्षक है, वो जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं ना तो वो ये नहीं देखते कि पीरियड खत्म हो गया, 40 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 15-20 मिनट तक तो ज्यादा पढ़ा देना उनका नियम सा बन गया है। और यदि विषय उनकी रुचि का है और बच्चों को भी मजा आ रहा है तो उनका जो लेक्चर है उनका जो व्याख्यान है वो कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे का हो जाता है। कहते हैं कि कई बार तो जो लास्ट वाली क्लास होती है ना उसके बच्चे तो बड़े मतलब ये सोचते हैं कि शशांक जी की क्लास है तो बहुत लंबी चल जाएगी, लेकिन कहते हैं बच्चे उनके कक्षा में कभी उबते नहीं है, कभी नहीं उबते। मैं आपको यहाँ बता दूं कि खुद विश्वकांत शास्त्री जी को शिलाधर्मी नहीं बल्कि आकाश धर्मी गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को पूरी खुली छूट देते थे, उन्मुक्तता देते थे, स्वतंत्रता देते थे अपनी जिज्ञासाओं को पूछने के लिए, अपने प्रश्नों को पूछने के लिए। तो वो एक बहुत ही आदर्श शिक्षक के रूप में शशांक जी यहाँ आए हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि उन्हें काल का भान नहीं रहता, समय का एहसास नहीं रहता, वो तो उनकी रसपूर्णता और तन्मयता का कारण है, लेकिन वो समय को बर्बाद नहीं होने देते, वो समय का बड़ा अच्छा सदुपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि वो कलकत्ता जैसे शहर में रहते हैं जहाँ बहुत बहुत दूरियां हैं, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा लग जाता है, लेकिन शशांक जी इस समय को गंवाते नहीं है। ये बहुमूल्य समय वो काम में लेते हैं। किस काम में लेते हैं? कि इस समय जब वो यात्रा कर रहे होते हैं और बड़ा लंबा समय लग रहा होता है, इस समय वो अपनी कविताओं को याद करते रहते हैं, मन ही मन अपनी कविताओं की आवृत्ति करते रहते हैं और इसलिए उनको कविताएं मुंह जवानी याद है। और यदि कहीं बैठने की जगह मिल जाए तो वो बैठ जाते हैं और फिर प्यार से उन्होंने एक बड़ा चुटिला सा व्यंग किया है कि वो आराम से सो जाते हैं, जिससे कि जहां वो जा रहे हैं वहां बड़ी ताजगी से और बड़ी सजगी से अपने कार्य को अंजाम दे सके, तो इसलिए वो सो जाते हैं। यहाँ पर यह भी बताया है कि जो शशांक जी है वो थोड़ी भौतिकतावाद से दूर है, उन्हें थोड़ा अपनी चीजों को संभालना कम आता है, पैसे के प्रति उनका उतना राग विराग नहीं है, इसलिए जब वो सो जाते हैं ना तो कई बार जेब कतरे उनकी जेब काट लेते हैं। तो अब उन्होंने अपनी जेब में अधिक पैसा रखना बंद कर दिया है और जब लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं इस बात पर तो वो कह देते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप अपने आप को तो ठगा लो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को मत ठगो, मेरी जेब कट गई ठीक है किसी और का भला हो गया, और आप ठगिए सुख हो रहे और ठगे दुख हो, ये शशांक जी के व्यक्तित्व पर खरा उतरता है। इस बात पर शशांक जी की पत्नी भी कई बार टोक देती है कि चलिए आप क्या काम कर पाएंगे, आप तो अपनी जेब तक को संभाल कर नहीं रख पाते हैं। वो पत्नी के सामने निरुत्तर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने इस तरीके से, लेकिन वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उनकी कमी है, तो वो उस बात को सुनते हैं और चुप हो जाते हैं और दार्शनिकता की दृष्टि से इस पूरे दृश्य को देखने लगते हैं। उनकी एक खास विशेषता हमको और देखने को मिलती है, वो यह है कि वो बहुत ही उदार भाव के व्यक्ति हैं, सहनशीलता है उनमें, पारिवारिक रिश्तों के बीच जीने वाले व्यक्ति हैं वो, इसलिए पत्नी जब उनको कोई टोकाटाकी करती है या डांट लगा देती है तो बड़े बड़े सहज भाव से अपनी पत्नी की डांट को भी सुन लेते हैं। यहाँ रेखा चित्र में प्रोफेसर शशांक की व्यक्तित्व की एक कमी को इंगित किया गया है बड़े चुटीले तरीके से, और वो कमी यह है कि वो कह रहे हैं प्रोफेसर शशांक भूगोल के ज्ञान के बारे में बिल्कुल गोल है, भू हटा दीजिए गोल है, सिफर है, जीरो है, अर्थात उनको जो भौगोलिक रेखाएं हैं, जो स्थान है उनका ज्ञान उनको नहीं रहता है। वो कहते हैं उनको रास्ते याद नहीं रहते, वो किसी एक जगह पे दो दो तीन तीन बार जा जाते हैं, उसके बाद भी यदि जाने का मौका मिले तो वो गलियों और सड़कों को ही नापते रहते हैं, उस जगह पर बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनके जो कुछ दोस्त हैं उनका मजाक बनाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कहते हैं उनका, उन्होंने अपने एक साथी का नाम लिया है श्री नामवर सिंह जी का कथन है, वो कहते हैं कि शशांक जी पे ये कथन पूरी तरह सही उतरता है। वो कहते हैं जिनका काल बहुत तीव्र होता है वे कहानीकार होते हैं, क्योंकि कहानी तो छोटे में कम्प्लीट कर दी जाती है, और जिनका काल बहुत तीव्र है अर्थात जो समय और वक्त
जिनके पास कम है या कम समय खर्च करना चाहते हैं वो कहानी लिख देते हैं। तो कहते हैं जिनका काल बहुत तीव्र होता है वो कहानीकार होते हैं, और जिनका देश और काल दोनों ही बहुत प्रखर होते हैं वो उपन्यासकार होते हैं, और जो देशकाल में रहते हुए भी देशकाल से परे रहते हैं वो व्यक्ति कवि हृदय होते हैं। और शशांक एक ऐसे ही कवि हृदय व्यक्ति हैं। हम देख रहे हैं कि जो शशांक जी हैं वो बहुत ही सहृदय कवि हैं। लिखा है उनके बारे में कि नंद दास प्रभु कहत बने, ना मैं ही लट्टू कहो वो ही लटूरी। पता नहीं कि वो कविता पे लट्टू है, ये कविता उन पर लट्टू है। संस्कृत, हिंदी, बंगला, उर्दू की सैकड़ों कविताएं उनको याद है, और सुनाने पर आ जाते हैं तो घंटों अपनी कविताओं को सुनाते चले जाते हैं। उनको काव्य पाठ में बड़ा रस आता है। उनका मानना है कि कविता तो कोई भी रच लेगा, कोई भी रच सकता है, लेकिन कविता को पढ़ना वही व्यक्ति जानेगा जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होगी। तो इस प्रकार वो काव्य पाठ में बड़ी रुचि लेते हैं और कविता पाठ उनका बड़ा प्रिय विषय है। इस रेखा चित्र में उन्होंने प्रोफेसर शशांक की एक कमी की ओर इंगित किया है। कहते लोग तो कहते हैं प्रोफेसर शशांक की स्मृति शक्ति बहुत जबरदस्त है, पर मैं आपको अंदर की बात बताऊं, उनकी विस्मृति शक्ति भी जबरदस्त है, भूलने की जो क्षमता है वो भी जबरदस्त है। और आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, इंसान में यदि विस्मरण शक्ति ना हो ना तो जी नहीं पाए। तो शशांक में भी विस्मरण शक्ति है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बात कह दी, अप्रयोजनीय वस्तुओं को, बातों को भूल जाना कितनी बड़ी बात कही है। जो उनके मतलब की चीज नहीं है उनको याद रखने से क्या मतलब है, क्यों मतलब उनको याद किया जाए, मतलब की बहुत सारी चीजें जिन्हें याद रख लिया जाए। तो प्रोफेसर शशांक उन सब चीजों को याद नहीं रख पाते जो खास उनकी मतलब की चीज नहीं है। इसीलिए कई बार वो अपने मित्र, अपनी पत्नी और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी डांट खाने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई उनको चीज बताते हैं और वो चीज उनको याद नहीं रहती है तो उनको डांट पड़ती है। तो वो मिर्जा गालिब की पंक्ति पढ़ते हैं, भूल जाना है निशानी मेरी। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बार प्रोफेसर शशांक बाजार में घूम रहे थे एक पर्ची लेकर, और जनरली प्रोफेसर शशांक को पुस्तकों की दुकानों पर ही देखा जाता था, लेकिन आज वो पुस्तकों से अलग कुछ अन्य वस्तुओं की दुकानों पर घूम रहे थे। तो देखने वाले को बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रोफेसर शशांक यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। उन्होंने देखा तो उनके हाथ में पर्ची थी, और जब उन्होंने उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें घर के सामान की, थोड़े से जो किचन विचन का सामान है, घर के काम की चीजें हैं, उस तरीके की वो चार पांच चीजें लिखी हुई थी, और वो उन चीजों को उनके ऊपर उनके आगे दाम लिखे हुए थे। उस व्यक्ति ने प्रोफेसर शशांक का बड़ा मजाक उड़ाया, बोले यार कमाल हो तुम भी भाई, कविताएं तो इतनी इतनी याद रख लेते हो, और क्या तुमको ये चार चीजें याद नहीं थी, इन चार चीजों के दाम तुम याद नहीं रख सकते। शशांक बड़ी सहजता से उत्तर देते हैं कि देखो कविता याद रखना एक अलग चीज है और इन चीजों को याद रखना एक दूसरी तरीके की चीज है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है यार, कोई कविता याद रख सकता है, कोई दूसरी चीजें याद रख सकता है। मैंने जो चुना वो पहली चीज को चुना, तो फिर आपको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को आजादी है, चुनने का अधिकार है कि वो क्या याद रखे और क्या भूल जाए। इस तरीके से प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री बताते हैं कि जो शशांक है उनकी व्यक्तित्व की बात यदि कही जाए तो वो अनंत है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो वो अनंत भले ना हो क्योंकि शशांक तो इसी दुनिया के संसार के ही व्यक्ति हैं। हम देख रहे हैं 17 अप्रैल 2005 को उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो कथा का अंत हो ही जाता है। पर प्रोफेसर शशांक की जो विशेषताएं हैं वो इतनी कम नहीं है जो एक दो रेखा चित्र में समेटी जा सके। इसलिए विष्णुकांत शास्त्री यहाँ कहते हैं कि उनके बारे में फिर और ज्यादा कभी और दिन बताऊंगा, आज बस इतना ही। बेटा आज मैंने आपको प्रोफेसर शशांक, ये है प्रोफेसर शशांक के रेखा चित्र के बारे में बताया, और उसके सबसे मुख्य चीज यही है कि उन्होंने प्रोफेसर शशांक की जो व्यक्तिगत विशेषता है उनके साथ उनको उनका वर्णन किया बड़ा चुटीले तरीके से, बड़े व्यंग्यात्मक दृष्टि से, अपने ऊपर खिल्ली उड़ाते हुए अपने, क्योंकि यहाँ जो प्रोफेसर शशांक है वो खुद विष्णुकांत शास्त्री है, तो वो अपनी खिल्ली खुद ही उड़ा रहे हैं, दूसरा क्यों उड़ाए, अपनी बात को अपने आप ही, मतलब अपने आप पर हंस लेना, अपनी खिल्ली उड़ा लेना, ये भी व्यक्तित्व की एक उनकी विशेषता थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।
जिससे मुझे मार्गदर्शन मिलता है। थैंक यू सो मच।